उससे क्यों करी शादी? अरे हो जाता है, कोई नहीं, गुस्से में बोल दिया गो उन्होंने। परेशान हो गया मैं। मैं इंसान प्यार तो करती है वो आपसे। अरे क्या घंटा प्यार करती है, जब मेरी बात नहीं मानती क्या प्यार? क्या प्यार? वो मुझे डिवोर्स नहीं देगा कह रहे हो। नहीं लगा ले हंगर कितना लगाएगी वो कह रहे। उसकी छाया भी डिवोर्स देगी, उसकी परछाई। वकील ने बोला ऐसा, वकील ने। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं आपके प्रिया राठौर लेकर आ गई हूं एक और धमाकेदार प्रैंक वीडियो। इनके ऊपर नहीं, इनके फ्रेंड के ऊपर। क्या नाम है उनका? फ्रेंड? हाँ सुमित। सुमित तो भाई है। सैंडी, एफटी सैंडी। हाँ उनके ऊपर लेकर आ रहे हैं हम वीडियो। एक्चुअली उन दोनों में लड़ाई चल रही है, बहुत ही बेकार वाली लड़ाई चल रही है। तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उससे पहले थोड़ा मसाला भी डाल रहे हैं, मतलब कि उनको ना ऑल किल्स आएंगे, लड़ाएंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। सो बाकी वीडियो में मिलते हैं। वीडियो में कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, फैला देना वीडियो। बाकी मिलते हैं एंड में। लव यू ऑल, बाय। ईशान भाई नीचे आना। बस क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम आजकल? मैंने क्या किया? तुमने क्या कर दिया? क्या तू बताओगे भी? निधि से क्या बात हुई है तुम्हारी? कुछ नहीं, सिंपल बात हुई है मेरी। किसने बता दिया? सिंपल सब बता दिया मैंने फोन करके। क्या जो जो तुमने किया है? कुछ क्या बताए तो बता। जो जो तुम बोल रहे थे, भड़का रहे थे और उल्टा सीधा बोल रहे थे। भड़का नहीं रहता, हमारे बीच में नॉर्मली बात हुई, मैं पूछ रहा था। अरे ये तक आपकी दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम तक बता दिया उन्होंने। दूसरी गर्लफ्रेंड आई नहीं, उनके कहां से बता देते? तो उनको कैसे बता रहे थे? अरे भाई इसको आप कुछ भी बोलोगे ना वो कुछ भी सच मान लेगी। मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था कि आप इरिटेट हो ना उससे। आपने जैसे उस दिन पिज्जा लेके आई थी, जैसे बकाया था एक तरह से मारना। हाँ ठीक है मेरी टेट हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है तुम आग लगा दोगे। आग का लगा रहा हूँ मैं तो, ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो अलग हो जाए आपसे। एक मिनट, वैसे ना अच्छा किया उन्होंने, इससे ना उनकी सच्चाई पता चल गई। हाँ। क्या सच्चाई पता लगी? वो दो मिनट में किसी की बात तो मैं आ गई। किसी की बात तो मैं नहीं, वो ये कह रही थी। छोड़ो यार बताते, फिर लड़ाई हो जाएगी। क्या चीज बताओ ना, ये क्या लड़ाई होगी? सस्पेंस की छोड़ रहे, बताओ ना। फिर कभी इनमें और लड़ाई हो जाए तो वो तो ऑलरेडी जा चुकी है छोड़ के। आपस में आपस में बात करोगे, मुझे बताओगे क्या बात है? नाम नहीं आना चाहिए देखो हमारा। फिर आप लोग बात बताओगे? बात क्या है? हमारा नाम नहीं आना चाहिए। बात तो बता दे ये आप तो लो... तुम भी बता, तुम्हारे सामने तो बोला उन्होंने सब कुछ। वो बोल रही थी कि अच्छा ही है, वो किसी और लड़के के साथ में है और वैसे मुझे भी उनके साथ में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं भी छोड़ के जाना ही चाहती हूँ। परेशान हो गई इस इंसान। ऐसा बोला सुने? क्या मुझे अपने मन की नहीं करने देते? वो एक तरह से उसने ऐसा बोला। हाँ, कह रही है कि अच्छा ही है, वो चलनी चाहते मैं जॉब करूं, इससे वो इरिटेट होके खुद ही चले। मैं तो चाहता नहीं वो जॉब करे। तो वो कह रही है ना इससे इरिटेट होके वो खुद ही चल जाएगी मेरी लाइफ से। कह रहे मेरे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने नहीं देते। और अब तो वो ये कह रही थी, तब ये भड़काते ना, कह रही थी अच्छा आपने मुझे ये बता दिया, अब मैं इस टॉपिक पे और लड़ूंगी, बहाना ढूंढूंगी जाने का। उन्होंने वकील को कॉल किया था। किसको? वकील को। इसका फिर ड्रामा स्टार्ट हो गया ना? नहीं सीरियसली, अब डिवोर्स के लिए डायरेक्ट बीच में इसने ऐसे ही, बीच में इसकी मेरी ऐसी लड़ाई हो रही थी डिवोर्स के लेकर। ठीक है ये समझो कि थाना अदालत सब कुछ हो गया था। पहले ना मैं ये सोची थी कि ये बेकार गलत कर रहे हो, उनको ऐसे बुला के ऐसे ऐसे बोल रहे हो, झुटझुट भड़का रहे, पर फिर तब उनके मुँह से ये सब निकला ना कि मैं खुद ही चाहती हूँ उनसे दूर हो ना। और मैं ऐसे बोला कि मैं खुद चाहती हूँ। पर नाम नहीं आना चाहिए अभी फोन मत। कैसे हुई ऐसे बोल रही है? एक मिनट आप एक मिनट। वो ये सोची कि हमने बताया आपको क्योंकि उन्होंने हमारे। अरे मैं आप लोगों का नाम नहीं लूंगा मैं। अरे तुम बोला अच्छे पता चले लॉजिक इंसान है कैसे बोला उन्होंने हमारे सामने। उसने बोल कैसे दिए? एक दो दिन बाद बोलोगे तो क्या पता किसी और के सामने बोल दे। नहीं करते, मैं उसको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता, कभी किसी चीज के लिए उसको डांटता नहीं। मैं बस इतना ही बोलता हूं। बाद में देना नहीं, फोन तो दे दो, मैं नहीं कर रहा कॉल। अभी कॉल मत करना। अरे नहीं कर रहा मैं, एक ही बस एक ही छोटी सी बात पूछूंगा बस। अरे अभी मत, अभी मत। एक मिनट कॉल तो करने दे यार। अभी नहीं, फोन ही दे दो मुझे, अपनी जेब में रख लो। अभी नहीं, पूछ लेना। देखो गलत झूठ तो बोल ही रहे हैं इन्होंने ना, कैमरा लगा रखा था उसी टाइम पे, उनकी सारी चीजें रिकॉर्ड की आपको ना दिखाएंगे, लाइव प्रूफ दिखाएंगे। आपके पास ही प्रूफ रहेगा उनको दिखाने के लिए। यो मान लो उन्होंने बस इतना बोला, कैमरा नहीं किया ना, मेरा 90% बोझ हल्का कर दिया। और आप तो जानते हो हम बिना कैमरे के कुछ नहीं करते, तो उनको कैमरे में ऑन करके तभी किए थी सारी चीज़ें, ताकि प्रूफ रहे कल के दिन। इसीलिए मैंने आपको बता भी दिया, अगर प्रूफ नहीं होता ना तो नहीं बताती। वो जो ये कर रही है ना, मैं उसके लिए सारी गलतियाँ धीरे धीरे माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ये गलती उसकी माफ़ नहीं होगी। अब तो ठीक है ना, अब उससे ज़्यादा हो रहा है। नहीं यार विशाल, उससे ज़्यादा हो रहा है, आप लोगों को नहीं पता उसके बारे में यार।
मैं कितनी बार से कितनी गलतियां माफ कर चुका हूँ, बैठ के बात करो। मेरे को गुस्सा नहीं आता क्या? तो वकील तो बस ये बोल रहे थे अब आपको ऐसी सजा देंगे। क्या करेगा वकील, क्या करेगा? वो कहता है कि साथ साथ पनिशमेंट भी होगी। वो कहता है कि दो तीन बार लगाऊंगा। नहीं दे रहा उसको डिवोर्स, दूंगा ही नहीं, छोड़ूंगा ही नहीं उसको मैं। ये बात बोली उन्होंने, निधि ने बोला कि अभी वो मुझे डिवोर्स नहीं देगा, कह रहे नहीं लगा ले हंगा कितना लगाएगी। वो कहते उसकी छाया भी डिवोर्स देगी, उसकी वकील ने बोला ऐसा। वकील ने कल तक तो खुद मरी जा रही थी कि मैं से डिवोर्स बन लो, मैं से डिवोर्स बन लो, अब डिवोर्स। हाँ तो वो यही तो कह रही थी ना कि मैं तो ऐसे दिखाऊंगी ना कि मैं नहीं छोड़ना चाहती, बट मैं को उसकी गलतियां दिखानी कि हाँ उसकी गलतियों पे छोड़ूंगी, उसकी गलती मतलब कि आपकी गलतियों पे छोड़ना। लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब उसको यार जरा सा उसने सोचा नहीं कि। तो क्या हो गया, बैठ के बात कर लेना, कोई बात नहीं, सारी चीजें छोड़ दो। क्या ऐसा कैसे कर सकती है वो, क्या पता ऐसे बोल दो, कुछ भी कर सकती है, कैसे कर सकती है यार वो। पहली बात तो गलती तुम्हारी है। क्या मेरी गलती है? तुमने बोला है कि उनको एक्शन लेने देती, इनको खुद पे खुद पता चल जाता। तो भाई फिर भी बता। अरे नहीं तो बता दे तो अच्छी बात है ना, इसमें मुझे तो पता लग गया ना। टाइम टू एक्शन। अब तुम क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों बता रहे हो, आगे की बात तो तुम ही बता रहे हो। तुम वो खुद एक्शन लेती तब पता ही ना चल जाता। कम बोला करो यार, मुझे ना ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को ना बिलीव कोई बात नहीं, बैठ के बात कर लेना। मेरे को सच में बिलीव नहीं हो रहा है ऐसा कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में। क्यों आप अब ये तक सब... तो परेशान था इन सब चीजों से, अब तो निकला हूं इन सब चीजों से मैं। अच्छा वो बात ठीक है, आप लड़ाई क्यों कर रहे हो? मैंने तो साफ बोल रखा है, मैंने तो साफ बोला जॉब करने की नहीं है, जॉब करेगी तो तेरा मेरा कोई नाता नहीं कान के। इतना प्यार तो करती है वो आपसे। अरे क्या घंटा प्यार करती है, जब मेरी बात नहीं मानती क्या प्यार, क्या प्यार? बैठ के बात कर लो, सब चीजें मान जाएगी। जब प्यार करते है ना तो बैठ के सारी बातें मानी जाती है। मैंने बैठ कर ना सब कुछ समझा दिया उसको, उसकी जिद है, वो जिस चीज़ की जिद कर लेती है तो कर लेते हैं, फिर तो उसके सामने किसी का कोई तोप खड़ा हो जाए। वो ये कह रहे मुझे ऐसे इंसान पसंद नहीं जो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। तो फिर क्यों किया, क्यों बोल रहे हो यार मेरे से, क्यों किया तुमने मेरे से, क्यों करी शादी उसने मेरे से, कहाँ भेज दिया उनको, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। नहीं क्यों करी उसने मेरे से शादी, आपने पूछा नहीं उससे क्यों करी शादी। अरे हो जाता है, कोई नहीं, गुस्से में बोल दिया वो उन्होंने, परेशान हो गया गुस्से में इंसान, बहुत कुछ बोल जाता है। बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया इसको लेकर, जब देखो तब बहुत ड्रामे सह लिए मैंने इसके। कोई नहीं गुस्से में बोल दिया, वो बहुत कुछ बोल जाता है इंसान गुस्से में। आपने भी तो गुस्से में उसको धक्का वक्का दिया, हमारे सामने भी, और वैसे तो नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। गुस्सा करे मानती भी तो नहीं। बताओ तब अभी आप गए थे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, गए थे ना, वो ही बता रहे थे उनको। गर्लफ्रेंड से मिलने कौन, आप गए होंगे? मेरी गर्लफ्रेंड, इनको बता के गए होंगे। अरे यार मतलब मैं किसी लड़की से मिलूंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड हो जाएंगी, ये क्या बता दिया आपने। अब ये देखो वो इतना इतनी लॉयल है, इतना प्यार करती है आपसे, ये बात सुन के भी ना उसने गुस्सा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना बोला कि आप तलाक दे रहे ना, मैं तो मेरे को कौन तलाक कौन दे रहा है, आप ही लोगों ने तो बोला कि तलाक दे रही मेरे को। हम तो देख रहे थे कि आप क्या बोलोगे, वो आपके लिए बहुत लॉयल है, हमने वीडियो शूट की है, आप देखना लाइव ऑन कैमरा, और जो कि आपके साथ भी कर रहे थे। उसमें बस वो ही कह रही है मैं ट्रस्ट ही नहीं कर सकती तुम्हारी बात। उसने 1% भी ट्रस्ट नहीं किया इतनी बड़ी बात बोलने के बाद भी कि गर्लफ्रेंड से मिलना, किसी और लड़की से मिलने जा रही है। ये होती है ना, अभी तक मेरा कंजूमर निकल चुका है। ऐसा है, ज्यादा मत बोलो, ये सब जो है ये मजाक चल रहा था। हम लोग दोनों टेस्ट ले रहे थे एक दूसरे का, आप क्या बोलोगे दोनों के बीच में प्यार प्यार कैसे, सीरियसली सीरियसली आप लोग ऐसा करोगे? ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे ही बस देख रहे थे, पर सीरियसली वो आपके लिए बहुत लॉयल है, और क्या इतने प्यार भी करते हैं। बैठ के बात सॉल्व करो, बात तो करो, ठीक है? जो वो आपको लेके, और आपने भी देखो अभी क्या बोला, अभी आपने क्या बोला, मैं डिवोर्स दूंगा ही नहीं उसको, कुछ भी कर ले, है ना, वो भी आपसे दूर नहीं होना चाहती, और आप भी उससे दूर सोच के बैठ गया था भगवान। हाँ तो आप भी नहीं होना चाहते, वो भी नहीं होना चाहती, है ना, दूर। तो इससे अच्छा है कि बैठ के बात कर लो, लड़ाई वड़ाई जो भी है खत्म करो, ठीक है? आप लोगों की बातें पता रियल मान गया था मैं तो, मैं तो दिमाग खिसकने लग गया था। पता नहीं हम, मैंने अभी क्या बीच में ही बोला था वीडियो की कि ना हम ऑफ कैमरा, मुझे तो आप लोग पे कितना ट्रस्ट है, आप लोग दे दिया था, मैंने हिंट दिया था आपको कि हम ऑफ कैमरा कोई बात नहीं करते, हम ऑन कैमरा करते हैं बात। अरे बोला कहाँ पल्ले पड़े, दिमाग टेंशन में कहाँ दिमागों की बात घुसती है, मैंने हिंट दिया था इसीलिए। बट मैं तो ये सोच रहा था, मैं कहीं इतने ट्रस्टेबल बंदे यार बोल रहे तो जरूर कुछ ना कुछ बात तो होगी। नहीं हमने एक परसेंट सच्चाई तो होगी। देखो वो आपके लिए बहुत लॉयल है, और आपको आप भी आपको छोड़ना चाहते हो, और आप भी छोड़ना चाहते, तो यार लड़ाई खत्म करो, अपना बैठ के सॉल्व कर लो सब कुछ। क्या फायदा पब्लिक को तमाशा दिखा के। लेकिन नहीं करोगे, मैंने ना बहुत बड़ी कोशिश कर दी, ठीक है, उसको समझाया विशांत भाई मैंने कि मुझे काम छोड़े, मुझे काम पसंद नहीं है। देखो यार अगर आप मुझे अपना हस्बैंड मानते हो, ठीक है, तो आपका ये बनता है कि आप मेरी बात मानो। मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, भले के लिए बोल रहा हूँ यार, मैं आपको नुकसान नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। दिल्ली में कितने केसेस होते हैं आपको पता है? पता है, रात के टाइम सेफ नहीं है, सेफ लड़कियाँ दिल्ली में, आप बताओ अभी है? सही बात है,
तो मैं कैसे करने दे सकता हूँ ऐसा काम उसको? कोई बात नहीं, थोड़ा समझ लो कि साथ में ऐसी कोई जॉब देख लो जिसमें साथ में कर लो, आपको भी प्रॉब्लम ना हो, उनको भी प्रॉब्लम ना हो, बहुत सारी जॉब है। उसका दिमाग पता है कैसा है, आप यकीन नहीं करोगे, उसका दिमाग ना थोड़ा अलग टाइप का है। लड़का होता ना, कोई लड़का, उसका दिमाग लड़कों वाला है, ब्रेव बॉय। मैंने जो कर दिया तो कर दिया, फिर तो किसी की ठा ठा ठा, बस कहानी खत्म। मैं और मैं हूँ, वो अपने आगे किसी नहीं सुनती। मैं उसको जॉब के लिए मना कर रहा हूँ, जॉब भी करे। अब मैं भाई सच्ची कह रहा हूँ, जब तक वो जॉब नहीं छोड़ेगी ना, मैं उसको नहीं जानता वो कौन है। मैं छोड़ देंगी, छोड़ देंगी, ठीक है। और ये देखो, अभी अभी कह रहे हैं मैं उसको नहीं जानता, अभी कह रहे थे मैं उसको डिवोर्स दूंगा ही नहीं। ये बाहर से बोलते हैं, ये गुस्से में होती है सारी बातें, ठीक है। और वो देखो, उसने गुस्से में भी ऐसी कोई बात नहीं कही, ठीक है। ये सारी चीजें गुस्से में होती हैं, कोई नहीं। अभी हमने कैमरा लगा रखा था, ये चीज एक दूसरे को हम दोनों वीडियो दिखाएंगे कि आप दोनों देखो। उधर नहीं है कैमरा, इधर देखो, इधर भी नहीं, उधर देखो। आप लोग भी स्टार्ट हो गए यार, मतलब। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो कमेंट में? यही बीमारी है, मतलब कैमरा लगा दो। अरे हम तो हगने मुद्दे तक भी कैमरा लगा दो। अरे भाई, सो गाइस, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। बाकी लाइक करो, शेयर करो, फैला दो वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय। डर गया था मैं तो आज, बहुत ज्यादा डर गया था सीरियसली।